गंगा नदी के किनारे बसा एक चित्रा गांव में रमा एक किसान परिवार से थी, जो अपने पति रामू, बेटी सीता और बूढ़े ससुर मोहन के साथ रहती थी। एक दिन, बहू तुम थोड़ा आराम कर लिया करो, ऐसे ही तुम्हें हार्ट और सांस की बीमारी है, ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारा तबीयत और भी खराब हो जाएगा। हाँ पिताजी, मैं आराम कर लेती हूँ, आप चिंता मत करो, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। बहू इस बार खेतों में फसल भी बारिश के कारण खराब हो गया, अब कैसे हमारा घर चलेगा। हाँ पिताजी, भगवान भी गरीबों पर ही कहर डालते हैं, पर अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ काम कर लूँगी। रमा के भुट्टे की फसल में से कुछ ही बचे थे। रमा घर से दूर जाकर कुछ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके घर में बूढ़ा बीमार ससुर और 7 साल की छोटी बच्ची सीता थी, जिसे देखभाल की बहुत जरूरत थी। इसलिए रमा अपने घर के सामने टोकरी में भुट्टे बेचा करती थी। एक दिन, माँ मुझे स्कूल जाना है, मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है। बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, थोड़े समय बाद कुछ पैसे आते हैं तो तुम भी स्कूल जरूर जाना। ठीक है माँ। रमा की तबीयत ठीक ना होने के कारण सीता छोटी उम्र में ही उसके साथ भुट्टे बेचा करती थी। कभी कभी सीता भुट्टा बेचने बाजार भी जाया करती थी और उन्हीं पैसों से घर चलाती थी। माँ अब तो हमारे भुट्टे भी खत्म हो गए, अब मैं कहाँ से लाऊं भुट्टे, और पैसे भी नहीं है। बेटा तुम पड़ोस की विमला काकी के घर पूछ लो, उनकी भुट्टे की फसल अच्छी हुई है, उन्हें बेचना है क्या। रमा के कहने पर सीता विमला काकी के घर जाकर बात करती है। विमला काकी भुट्टा देने के लिए राजी हो जाती है। उनके भुट्टे बाजार में बेच वो जो भी पैसे लाती है आधा उन्हें दे देती है और बचे पैसों से अपने भी खर्च चलाती थी। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। माँ आप रोइए नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं तो तुम्हारे माँ पर बोझ था ही, अब तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब हो जाने से हम दोनों ही तुम पर बोझ बन गए हैं। नहीं दादाजी आप ऐसा नहीं बोलो, बस आप दोनों ठीक हो जाओ जल्दी से। एक दिन मोहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिसके लिए रमा दवा लाने अस्पताल जाती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घर पर बीमार मोहन और सीता इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत देर हो जाती है लेकिन रमा घर नहीं आती है। दोनों को रमा की फिक्र होने लगती है। दादाजी माँ कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा तू परेशान ना हो, चल तेरी माँ को ढूंढने चलते हैं। बीमार मोहन जो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो कैसे भी हिम्मत कर अपनी 7 साल की पोती को साथ में लेकर रमा को ढूंढने निकल जाता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि रमा का एक्सीडेंट हो गया है। माँ माँ तुम्हें क्या हो गया, उठो माँ, तुम तो दवा लाने गई थी ना, यहाँ क्यों सोई हुई हो। बेटी सीता तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, चलो जल्दी से अस्पताल लेकर चलते हैं। रमा को वही पास के प्राइवेट अस्पताल ले गए। तब डॉक्टर ने रमा की मरहम पट्टी कर कुछ दवाइयाँ लिखकर मोहन को पर्चा दिया। ये लीजिए दादाजी, इस दवा को लाकर इनको समय पर दे दीजिएगा। लेकिन बेटा हम बहुत ही गरीब हैं, हम कहाँ से ये सारी दवाइयाँ लाएंगे। डॉक्टर मोहन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी भी तबीयत ज्यादा खराब है। वो डॉक्टर उसका भी इलाज कर दोनों के लिए अपने पास से दवाई देता है। बाबा आप चिंता मत करो, ये दवाई खाकर आप ठीक हो जाओगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। अरे नहीं नहीं बाबा आप धन्यवाद मत बोलो, हमने भी गरीबी देखी है बाबा। धन्यवाद डॉक्टर अंकल, आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अंकल मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, मेरे पापा जब कमा के शहर से आएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगी। डॉक्टर को सीता की बात सुन बड़ी ही हैरानी होती है। फिर डॉक्टर रमा से पूछता है, अच्छा आपके पति कहाँ है। साहेब वो सीता पैदा हुई तभी बोलकर गए कि वो शहर जा रहे हैं कमाने के लिए और अब तक लौट कर नहीं आए। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पति का पता लगाता हूँ। अस्पताल के बड़े अधिकारी ये सब देखकर डॉक्टर को अपने चैम्बर में बुलाकर बहुत बातें सुनाते हैं। यहाँ हम मुफ्त का धर्मशाला खोलकर नहीं बैठे हैं जनाब, जो आप गरीबों की मुफ्त में इलाज करेंगे, हमें पैसे चाहिए होते हैं पैसे। सर क्या हम लोग पैसे कमाने में इतना मशरूफ हो गए हैं कि हम किसी गरीब की मदद भी नहीं कर सकते। नहीं हमें बस पैसे चाहिए, तुम्हें करना है मदद तो करो, लेकिन जितनी भी तुमने दवाइयाँ अस्पताल से इस्तेमाल की है ना, उनका पैसा तुम्हारे तनख्वाह से काट लिया जाएगा। ये सारी बातें सीता गेट पर खड़े होकर सुन रही थी।
जैसे ही वो डॉक्टर बाहर आते हैं। अरे बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, मैंने सारी बातें सुन ली आपकी। आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके अस्पताल में साफ सफाई का काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बेटा, तुम इतने छोटी होकर इतनी बड़ी बात कर रही हो। मैं तुम्हारे बड़े भैया जैसा हूँ ना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ अंकल, जरूर, बस मेरे पापा आ जाएं। और फिर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब डॉक्टर उन्हें कहता है, देखिए आप लोग घर जाइए, हम आपके पति का पता लगाकर आपको मिलते हैं। कुछ ही दिनों में डॉक्टर रमा के पति रामू का पता अपने फोन से सर्च करके उसकी कंपनी का पता लगा लेता है। फिर रमा के घर आकर मिलता है और बोलता है, रमा ये लीजिए, अपने पति से बात कीजिए। सीता ये देखकर कि उसके पिता का पता चल गया है, वो बहुत ही खुश होती है। ये मेरे पापा का पता चल गया, अब मेरे पापा आएंगे और मैं स्कूल जाऊंगी। तभी रमा अपने पति रामू से फोन पर बात करती है और पूछती है, कहाँ है जी आप, कब तक आप घर आइएगा, आपके बिना यहाँ हमारा बहुत बुरा हाल है। हाँ रमा, मैं भी तुम लोगों के बिना यहाँ बहुत ही परेशान हूँ। बेटा, तुमने इतने सालों में हमसे कभी भी बात नहीं की और मिलने भी नहीं आए, बेटा क्यों? हाँ पिताजी, मैं यहाँ शहर में आकर किसी गलत लोगों के चंगुल में फंस गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाया। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मुझे एक साहब ने उन लोगों से बचा लिया है पिताजी, और अब मैं इनके यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब मैं कुछ दिन में थोड़े पैसे कमाकर जल्दी ही घर वापस आता हूँ। रामू से बात कर रमा और उसके परिवार की खुशी लौट आई। ये देखकर डॉक्टर के चेहरे पर भी हंसी आ गई। तब रमा कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अरे आप मुझे धन्यवाद नहीं बोलिए, बस आप अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाइएगा। हाँ अंकल, मैं जरूर पढ़ूंगी। लालपुर गांव में संगीता अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। सीमा बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। संगीता की एक ही ख्वाहिश थी कि उसके मरने से पहले उसकी बेटी सीमा की शादी हो जाए। संगीता के घर पर लड़के वाले आए थे। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें बस पढ़ी लिखी और घर संभालने वाली लड़की चाहिए। मेरी बेटी सीमा को घर के सारे काम आते हैं, और तो और वो अपने कॉलेज में भी अव्वल आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आप जल्दी से लड़की को भी बुला लीजिए, लड़का लड़की आपस में बात कर लें तो फिर हम शादी की बात फाइनल करते हैं। हाँ जी, अभी बुला देती हूँ। संगीता अपनी बेटी सीमा को लेकर आती है। सीमा देखने में बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी लग रही थी, लेकिन उसको देखते ही लड़के की माँ और लड़के के होश उड़ जाते हैं। संगीता सीमा को लड़के के बगल में खड़ा कर देती है, और सीमा लगभग लड़के के दुगने कद की होती है। इतनी लंबी लड़की मैंने जीवन में पहली बार देखी है, इसके कद की तो कोई सीमा ही नहीं है। हम तो अपने बेटे की शादी इतनी लंबी लड़की से नहीं कर सकते हैं, हमें माफ कीजिएगा, चलो बेटा यहाँ से। लड़के की माँ लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाती है। अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे माँ जाने दो ने, तुम तो जानती हो मेरे लंबे कद की वजह से कोई मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता है, क्यों तुम बेफिजूल कोशिश करती हो? तुम्हें तो पता ही है मुझे दमे की बीमारी है, किस दिन मैं खांसते खांसते मर जाऊं कोई ठीक नहीं है। मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहती हूँ। ऐसी बातें क्यों कह रही हो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीमा कॉलेज चली जाती है और संगीता कपड़े सिलने लगती है। तभी उसके पास सुषमा आती है। तुमने मेरी बेटी की शादी के कपड़े बहुत अच्छे सिले थे, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, मैं उसके पैसे और मिठाई लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी बहुत मुबारक हो। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। क्या बताऊं, मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन हर बार लड़के वाले उसे नकार देते हैं। तुमने मेरी बहुत मदद की है बेटी की शादी के समय, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुफ्त में कपड़े सिल कर दिए थे, इसलिए तुम्हारा एहसान उतारने के लिए मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ ये मेरा वादा है। संगीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना होता है। सुषमा अपने वचन के मुताबिक अपने बेटे रोहित की शादी संगीता की बेटी सीमा से कराने का प्रस्ताव अपने घर पर रखती है। लेकिन माँ, लड़की मेरे से दुगने हाइट की है, सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने वचन दे दिया है, अगर तुम्हारी वजह से मेरा वचन टूटा तो ये अच्छा नहीं होगा। वैसे भी देवर जी,
हमारे घर में हमारी सासू माँ का ही चलता है, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बहन की शादी के समय भी संगीता बहन ने हमारी बहुत मदद की थी, यही सही तरीका है उनके एहसान उतारने का। ठीक है, मैं सीमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुषमा धूमधाम से संगीता और रोहित की शादी का इंतजाम करती है। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के लिबास में दोनों खड़े होते हैं। शादी के फंक्शन में रोहित के कुछ दोस्त भी आए हुए होते हैं। वो सीमा के लंबे कद का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई क्या बात है, है? तुम चुनकर हमारे लिए भाभी लाए हो, अब हमें कुतुब मीनार देखने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कुतुब मीनार तो हमें साफ साफ तुम्हारे घर पर ही दिख जाएगा। क्यों नहीं, और तो और तुम्हारे घर में पंखे और मकड़ी के जाले साफ करने के लिए भी लंबी झाड़ू की कोई जरूरत नहीं है, भाभी जी तो अपने हाथों से ही छज्जे को साफ कर देंगी। ये सब सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीमा अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी करने पर मजबूर थी। शादी के बाद ही संगीता की मौत हो जाती है। सीमा अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी होती है, लेकिन सुषमा उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती है। बेटा मुझे पता है अभी तुम बहुत उदास हो, रोहित भी तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे अपनी माँ की कमी महसूस ही नहीं हो रही है। सुषमा की बड़ी बहू लाली भी सीमा के लंबे कद का मजाक बनाते रहती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। अरे सीमा सुनती हो, वो क्या है ना, कई दिनों से मैं सोच रही हूँ छज्जे साफ कर दूँ, लेकिन मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तुम्हारी हाइट तो आराम से छज्जे तक पहुँच जाएगी, ये लो झाड़ू और छज्जे साफ कर दो। ठीक है दीदी, मैं अभी साफ कर देती हूँ, उसके बाद छत पर गद्दे भी सूखने दिए हुए हैं, उसे भी लेते आना। ठीक है दीदी। लाली आराम से जाकर हेडफोन लगाकर सोफे पर बैठ जाती है और गाना सुनने लगती है। तभी वहाँ पर सुषमा आ जाती है और सीमा को काम करता हुआ देख और लाली को आराम करते हुए देख वो सारा माजरा समझ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं? सीमा बेचारी इतना काम कर रही है, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर आराम से बैठकर हेडफोन पर गाने सुन रही हो। नहीं माँ जी, वो तो मैं बस थोड़ा सा अपना शरीर सीधा कर रही थी। चलो बहुत हो गया तुम्हारा शरीर सीधा, जाकर छत पर से गद्दे लेकर आओ। छत पर से गद्दे और मैं? तुम नहीं तो क्या तुम्हारा भूत जाएगा। लाली छत पर से गद्दे लाने चली जाती है। लाली जैसे ही गद्दे लेकर आने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा छत के रेलिंग से लटक जाती है। अरे बचाओ मुझे, कोई हमको बचाओ, हमको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। आवाज सुनकर सभी बाहर निकल जाते हैं। लाली को छत के रेलिंग से लटकता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं। अरे बहुरिया, तुमको हम छत पर से गद्दा लाने भेजे थे, तुम वहाँ कर क्या रही हो? वैसे ये सब बाद में बताएंगे, पहले हमको बचाइए यहाँ से। मैं फौरन फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता हूँ, उनके पास लंबी सीढ़ी होती है। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। फायर ब्रिगेड वालों को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, मैं भाभी जी को बचा सकती हूँ। सीमा एक सीढ़ी लगाकर छज्जे पर चढ़ जाती है और अपने लंबे कद की वजह से लाली को आराम से बचा कर नीचे ले आती है। आज तुम्हारे लंबे कद की वजह से हमारी जान बच पाई है, वरना तो हमारा हलवा बन जाता। सीमा, आज तक हम तुम्हारे लंबे कद का मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हारी लंबी हाइट की वजह से भाभी की जान बच पाई है। मेरा लंबा कद किसी के काम आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उस दिन के बाद से कोई भी सीमा को उसके लंबे कद को लेकर कुछ नहीं कहता था। रोहित भी सीमा को अपने दिल से अपना लेता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।